हाय एवरीवन, दिस इज योर बॉय मुगल ज़ारा। आप लोगों ने हमारा पहला व्लॉग देखा और दूसरे व्लॉग के साथ हम फिर आप लोगों के सामने आ चुके हैं। तो उम्मीद है आपको पहला व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मुझे तो काफ़ी लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, मैसेज वगैरह किया, उन्होंने कहा दोबारा करो, तो इसलिए हम फिर आ चुके हैं। और देखें, पहले तो हमने घर से शुरू किया था, पहले व्लॉग में तो उधर गए थे जगह पे और आपको बताते रहे थे, पर इस दफ़ा हम जगह पे पहुंच के ये व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखना और बताना क्या चीज़ बनेगी, और काफ़ी बीच में बातें भी हैं और मेरा ये न्यू हेयर कलर भी है, देखना कैसा बना और कैसा लगा आप लोगों को। तो चलते हैं आगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम जिस जगह पे आए हैं वो ये जगह, आप लोगों ने काफ़ी सीन वगैरह देखे, ये रेलवे ट्रैक है तो उस साइड का मतलब चलता है, तो ये साइड तो मतलब बंद ही है काफ़ी सालों से, तो ये वो ट्रेन है जो मतलब काफ़ी सालों से बंद ही है और लोग यहाँ शूट वगैरह करने आते हैं गुजरांवाला के, काफ़ी लड़कों को पता है इस जगह का। तो मैंने कहा चलो आज कुछ नया करते हैं, आप लोगों ने अभी देखा शूट वगैरह तो काफ़ी अच्छा मतलब होता है, करेंगे भी शूट वगैरह, हम आए हुए थे शूट करने, हमने कहा फाड़े की बैठे हुए हैं तो शूट भी करने चले जाते हैं, चलो इसी बहाने व्लॉग भी हो जाएगा तो टाइम पास भी, आप देखो। तो चलते हैं ट्रेन के अंदर, देखते हैं क्या सीन है, क्या चक्कर है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा सीन है, और मैंने कहा कि इनका इंट्रोड्यूस नहीं हुआ वैस भाई का, तो इसलिए मैंने कहा अंदर आते साथ पहले वैस भाई का इंट्रोड्यूस करवाते हैं, क्योंकि एडिटिंग तो इन्होंने ही करनी है, सब कुछ इन्होंने ही करना है। मुझे तो बहुत ही अच्छा व्यू लग रहा है फ़ोटोशूट के लिए भी, और करते हैं अभी आपको दिखाते हैं आगे भी कहाँ कहाँ जाएँगे। जैसा कि आप लोगों को मैंने कहा कि मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि मतलब इस ट्रेन की कितनी बुरी हालत है, काफ़ी सालों से मतलब इधर ये बंद ही है पड़ी हुई है। तो हम आए हुए हैं, काफ़ी दफ़ा इस जगह का फ़ोटोशूट वगैरह किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा फ़ोटोशूट होता है, लड़के कहते हैं यार आप पे जाते हो, तो जो यहाँ के हमारे मेरे रिलेटिव हैं और जो मेरे फैमिली मेम्बर हैं, ये जानने वाले दोस्त हैं, वो तो जानते हैं कि मतलब मैं कहाँ आता हूँ और कहाँ जाता हूँ, तो जिनको नहीं पता वो तो मतलब कहते हैं कि कौन सी जगह यार इतनी अच्छी है। तो आप इस ट्रेन की कंडीशन देख सकते हो कि मतलब कितनी बुरी हालत है, और ये कंडीशन देख के आप बता सकते हो या अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितने सालों से बंद है। तो जो साथ वाले डब्बे उनको तो मेरे ख्याल से आग लगा दी हुई है उन्होंने खुद ही, तो काफ़ी हद तक ये भूत बंगला भी लगता है। नाइट के वक्त तो मैं कभी आया नहीं है, तो ना कभी आऊँगा जैसी जगह की हालत है, क्योंकि डर ही लगता है।
मैंने आप लोगों को भी बताया था कि मतलब आप ये खाने हैं तो इनको जला दिया गया है। ये पहली दफ़ा मैं इस जगह पे आया हूँ तो काफ़ी कुछ देखने को मिला है। तो उस जगह पे तो मैं काफ़ी दफ़ा गया हूँ, ये जली हुई ट्रेन में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ तो काफ़ी मतलब न्यू व्यू मिल गया है, ये कह सकते हो कि व्यू काफ़ी अच्छा है। तो देखिए ध्यान से चलना पड़ना वरना नुकसान ही है अपना। ये जगह देखिए बताए कैसी है, और कलर न्यू करवाया शेड कलर, तो जो शेड मैंने निकलवानी थी वो निकली थोड़ी बहुत ही कम निकली है, तो बहुत ही गिरा। आप देखो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो नीचे कमेंट में मुझे बताना जरूर कि कैसा लगा। और नज़रा दुकान बहुत लगा हुआ है, आज तो बहुत ही गर्मी लग रही है, ये पहन के भी उतारने का मूड है, बट ब्लॉक के बाद उतारेंगे, टेंशन नहीं है। आप व्यू का मज़ा लो और बताओ कैसा है। फोटोशूट करने के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है, आप भी मतलब इस जगह को देखें, जो लोग जानते हैं वो आए, करने में कोई मसला नहीं। एडिटिंग वाले की बात होती है, वो क्या करता है इस जगह का। जैसा कि आप लोगों ने देखा पहले मैंने अंदर अकेले फन किया, तो मैं जब ऊपर गया तो ये भाई मिले हैं। तो आपका नाम क्या है? मिर्ज़ा फाहद मुगल, ये भाई का निक नेम है। और आपका क्या नाम? मोहम्मद अहमद। मैंने अभी अभी नाम पूछा, फन बात पहले किया पूछा बात नहीं है, क्योंकि अब जाने का टाइम था, ज़्यादा टाइम हो काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि हम इधर आए हुए थे, तो अब निकलने का टाइम है। तो अल्लाह हाफिज़, पहले 3-2-1 वाला डब हो जाए। 3-2-1 जाने वाला। लो भाई अल्लाह हाफिज़, फिर अगले व्लॉग में मिलेंगे इंशाल्लाह।